और सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे सरायकेला की, जहां आदित्यपुर थाना अंतर्गत स्वर्णरेखा परियोजना के आवासीय कॉलोनी में रहने वाली उषा रानी महतो की अपराधियों ने गला रेतकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद कॉलोनी में सनसनी फैल गई। उषा 2 महीने पहले ही कॉलोनी में आई थी। बताया जा रहा है कि मृतका की नौकरी अनुकंपा के आधार पर हुई थी। मृतका के पिता इस विभाग में कर्मचारी थे। इधर मामले की चलिए वो खबर हम आपको बताएंगे कि कैसे मृतका की लाश मिली, हत्या की गई। लेकिन जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं बालू माफिया किस तरह से बेखौफ बालू का अवैध कारोबार कर रहे हैं, और न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। अवैध बालू से लदा 4 ट्रैक्टर जब्त किया गया है और 4 चालक मौके से गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी बसंत, इस वक्त फोन लाइन पर हैं। बसंत, देखिए न्यूज 11 भारत लगातार ये खबर दिखा रहा था कि कैसे सख्ती के बावजूद बालू का गोरख धंधा चल रहा है। अब सख्ती जब खबर दिखाई गई तो इसका असर भी हुआ, प्रशासन मुस्तैद हुआ और बालू माफियाओं में देखिये कैसे हड़कंप है इस कार्रवाई के बाद। जी आरती जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए हमारा न्यूज 11 जब जब खबर दिखाता है तभी जाकर के प्रशासन का कुंभकर्ण नींद जगता है, और नींद जगने के बाद खानापूर्ति के लिए ट्रैक्टर को पकड़ा जाता है। जबकि बड़ा बड़ा हाईवा गाड़ी जो है 35-40 लाख का जो गाड़ी हाईवा गाड़ी है उसको प्रशासन नहीं पकड़ता है। कारण क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार से प्रशासन के साथ इन लोगों का मिलीभगत है, और बालू का जो उठाव होता है हमारा जैसे तिरुल्डी घाट से जो बालू उठाव उठाव हो रहा है, इतना अवैध मात्रा से बालू उठा उठा करके सीधे बंगाल बंगाल चला जाता है, उसके अलावा जमशेदपुर चला जाता है, और प्रतिदिन लाखों रुपया का राजस्व का सरकार का नुकसान है। तो ये जो रैकेट जो बना हुआ है, सिंडिकेट बना हुआ है, सिंडिकेट इस सिंडिकेट से मैंने तोड़ने के लिए कम से कम राज्य सरकार को जगना होगा, और राज्य सरकार के यहाँ से यदि टास्क फोर्स मैंने आता है तभी जाकर के ये मैंने जो गौरव धंधा में लोग लगे हुए हैं वो सब जब तक मैंने नहीं पकड़ा जाता है तब तक किसी भी प्रकार से ये बालू का अवैध धंधा नहीं रुकेगा। जी आरती जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका बसंत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।